स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 11 दिसंबर से 15 दिसंबर तक होगा। पहले हम अपनी पिछली वीक की जो एनालाइज थी उसके हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं चैनल पे नए आने वाले ट्रेडर्स से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन भी मिले। साथ में हम डेली बेसिस पे एनालाइज अलग देते हैं और वीकली एनालाइज भी देते हैं, तो ये है कि आप डेली बेसिस पे भी जो है वो एनालाइज देख सकते हैं। अब हम पिछले वीक के हवाले से बात करेंगे कि पिछले वीक में हमने जब एनालाइज किया इसको तो 2072 पे गोल्ड था और मेरा जब तक ख्याल था कि ये नीचे की तरफ मूव करे 2063 तक और यहाँ से ये बुलिश हो जाए ऊपर की तरफ, और मैंने ये कहा था कि मुझे ये लग रहा है कि ये छोटी करेक्शन के साथ जो है वो अपसाइड के ज़्यादा चांस होंगे। लेकिन अगर 2063 को ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे की तरफ मूव कर सकता है। तो यहीं से उस दिन एक मंडे को जो है वो एक्स्ट्रा किस्म की मूव लगी और उसका रीज़न जो है वो यही होता है कि जब भी मार्केट अपना ऑल टाइम हाई हो या फिर ऑल टाइम लो हो उसको जब भी ब्रेक करता है तो एक फास्ट मूव ही लगती है और वो विद इन आवर्स के अंदर वहां से होके और दोबारा वापस वहीं आ भी जाता है। ये तकरीबन देखा गया है इस मार्केट के अंदर। तो यही था कि ऑल टाइम जो हाई था इसको जैसे ही ब्रेक किया 2082 को तो उसके बाद जो है वो एकदम फास्ट ऊपर और फिर विद इन आवर जो है वो नीचे। तो ये वैसे भी देखा गया है कि जब भी एक ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है या ऑल टाइम लो ब्रेक होता है तो वहां पर मार्केट एकदम स्टे नहीं कर पाता। अभी इसका स्टे तब होता जब ये 2084 के ऊपर अगर गया भी था तो ये दोबारा आके अगर 2084 हमारा जो ये रेजिस्टेंस था इसके ऊपर स्टे करता है या डे क्लोज करता तो फिर हम मजीद इसके ऊपर देख सकते थे, लेकिन वो स्टे नहीं कर पाया और गिर गया। तो इसी तरह से जो है वो मार्केट यहाँ पर यही होता है कि इस तरह की मूव्स लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि SL बहुत जरूरी है और हमारा जो लॉस होता है उसका सबसे बड़ा रीजन बिना SL ट्रेड करना और मनी मैनेजमेंट को ना फॉलो करना और कोई रीजन ही नहीं। अगर इन दो चीजों को अगर ट्रेडर कोई भी फॉलो करता है तो मुझे नहीं लगता कि वो लॉस जरूर कर सकता है लेकिन इतना लॉस नहीं कर सकता। अब यहाँ से अगर हम देखें ना 2071 से इसने एक मूव लगाई 12135 तक, मतलब यूँ समझ लें कि आप यहाँ से यहाँ तक की जो पिप्स अभी अगर हम काउंट करते हैं तो ये 2134-35 है और यहाँ पर जो है वो 2073 है, तो एवरेज लगाएं कि एक अच्छा खासा जो है वो बनता है। तो ऐसे के अंदर अगर कोई एक ऑर्डर भी लगा हो, अगर अकाउंट का 2% या 3% अगर यहाँ पर ऑर्डर में फंस गया हो, यहाँ पर अगर लगा हुआ हो तो भी वो यहाँ तक अकाउंट वाश कर देगा। तो ऐसे ही होता है, इसलिए मनी मैनेजमेंट और SL को ज़रूर यूज़ करें। मुझे नहीं लगता कि इसका जो है वो कोई किसी बड़े लॉस से आप बच सकते हैं। तो ये थी हमारी प्रीवियस वीक की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक जो है वो क्या होने के चांस होंगे। नेक्स्ट वीक के हवाले से अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वीक के जो इम्पोर्टेंट एरियाज होंगे वो कुछ इस तरह होंगे कि अगर हम इसको यहाँ देखें तो काफी कदर एक सिंपल सिचुएशन नज़र आ रही है। ये प्रीवियस वीक जो है वो एज ए सपोर्ट रहा है लेकिन ये इसको ब्रेक तो कर चुका है। अब ये यहाँ तक जो है वो इम्पोर्टेंट होगा, हो सकता है 2015 का ये एरिया है वहाँ से 2020 का एरिया, अगर ये यहाँ से प्रॉपर रिजेक्ट होता है तो फिर
काफी हद तक चांस होंगे कि इस तरह से ये मूव हो जाए, काफी हद तक इस तरह हो सकता है। वीकली एनालाइज है तो आप इसको डे के लिए क्लोज पे ही देख सकते हैं, ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि हाँ भी हमारी वीकली एनालाइज डे क्लोज बेस पे होती है। और एक ये है, अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर जाता है 20 से ऊपर अगर क्लोज करता है तो फिर ये इस तरह से मूव हो सकती है, दोबारा भी नीचे आने के चांस होंगे, फिर शायद ये दोबारा जो है वो ये इम्पोर्टेंट हो जाए, लेकिन ये ब्रेक हो चुका है तो इसलिए अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहा ये जो है 20 ट्रिपल जीरो वाला। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट अगर ऊपर का लेवल जो है वो ब्रेक कर जाए तो फिर शायद इस एरिया को भी थोड़ा सा देख सकता है। ये एक मेजर मेरे ख्याल में 20 ट्रिपल थ्री जो है वहाँ से लेकर और ये जो है 9174 का जो एरिया है ये नेक्स्ट वीक के लिए जो है वो एक मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा। बीच की कंडीशन है अभी, तो अब मेरा ख्याल है कि मुझे ये लग रहा है क्योंकि अगर इसको डायरेक्टली नीचे जाना होता तो ये अपना क्लोज 2002 से नीचे लगाता, मतलब 2002 से नीचे अगर ये अपना डे क्लोज करता तो फिर शायद नीचे के चांस डायरेक्टली हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसे लग रहा है, लेकिन मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर ये यहाँ से भी नीचे आ जाता है और इसके नीचे अगर 2001 के नीचे डे क्लोज कर देता है तो फिर शायद ये पहले नीचे की मूव कर जाए। तो बस ये सिंपल है, मेरे ख्याल से यही लेवल्स रहेंगे और नीचे 1974 काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर ये ब्रेक होता भी है और इसके नीचे कम से कम डे के दो क्लोज एक साथ दे तो फिर ये मज़ीद नीचे की मूव कर सकता है, अदरवाइज ये यहाँ से दोबारा बुलिश भी हो सकता है। इस एरिया को शेडो ब्रेक भी करके भी बुलिश हो सकता है। वैसे हम देखें तो ये ब्रेक तो है लेकिन ये कि अगर इसके नीचे ये डे क्लोज करता है तो कम से कम दो क्लोज लगे हैं इसके, तो उसके बाद क्योंकि ये बिल्कुल एक मेजर सपोर्ट एरिया की तरफ आ जाएगी मार्केट, और यहाँ पर मेरा ख्याल है कि अगर इस एरिया को एकदम सीधा ना ब्रेक करे हो सकता है कि ये दोबारा यहाँ से बुलिश भी हो जाए। तो ये यहाँ पर सिचुएशन देख के ही पोजिशन के हिसाब से रहेगा नेक्स्ट वीक के हवाले से। और बाकी मेजर जो मैंने बता दिया है कि ये 1974 जो है वो मेजर सपोर्ट रहेगी, और ऊपर की तरफ जो है वो मैंने ये जो मुझे लग रहा है उसी हिसाब से मैंने बता दिया, जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, तो हमें याद रखिएगा।